हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर के अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य बहिष्कार हड़ताल शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी। गुड़ामालानी, धोरीमन्ना और रागेश्वर क्षेत्र का अपील क्षेत्राधिकारी बलोत्रा न्यायालय करने, नवसृजित पॉक्सो न्यायालय की बैठक केवल बालोत्रा में करने के विरोध में बाड़मेर अधिवक्ताओं ने गुरुवार से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया, जो शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। बाड़मेर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष करनाराम चौधरी ने बताया, अधिवक्ता संघ की मांगे नहीं माने जाने तक न्यायिक कार्य का बहिष्कार जारी रहेगा। अधिवक्ताओं के हड़ताल पर जाने से न्यायिक कार्य प्रभावित हुए। हड़ताल के बाद न्यायालय परिसर सूने नजर आए। हड़ताल के दौरान संघ के ईश्वर सिंह बलाई, रूप सिंह, गणेश मेघवाल, नरेश छाजेड़ सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। बाड़मेर में जो पॉक्सो कोर्ट चल रही थी वो अभी 8/8/2018 को राज्य सरकार ने आदेश जारी करके उसका मुख्यालय बालोतरा कर दिया, जबकि प्रकरणों की संख्या यहाँ ज़्यादा थी। वहाँ सिर्फ 27 केस थे, यहाँ 65 केस थे। FR मिलाकर यहाँ 105 केस है और वहाँ कुल मिलाकर 50 केस है। उसके बावजूद बालोतरा में ले गए, यहाँ के पक्षकारों को आने जाने में भारी बाधा और आर्थिक संघर्ष होगा। बाठासर से बालोतरा करीब 200-250 किलोमीटर है। इसी तरह से सुंदरा बॉर्डर के गांव से बालोतरा 200-250 किलोमीटर दूर पड़ता है। पक्षकारों को सुलभ और सस्ता न्याय पिलाने की जो नीति है उसके बिल्कुल खिलाफ ये बालोतरा में पोस्ट कोर्ट को लिए इस बात को लेकर के हम बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।